भारत स्काउट एवं गाइड वैशाली का हर गतिविधियां देखने के लिए BSG वैशाली बिहार को फॉलो करें। नमस्कार मित्रों, मैं निरंजन कुमार, स्काउट मास्टर, भारत स्काउट गाइड, जिला वैशाली। आज हम लोग बात करेंगे ओंकार प्राणायाम के बारे में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, योग दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काफ़ी निकट है और उसके अंतर्गत जिला के माननीय जिला संगठन आयोग माननीय ऋतुराज सर के निर्देशानुसार एक योग सीरीज जो है कि आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे ओंकार प्राणायाम के बारे में। ओंकार प्राणायाम ये काफ़ी अच्छा प्राणायाम है और ये काफ़ी लाभ आपको पहुंचाता है। इसके बारे में इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, ध्यानासन में हम लोग बैठ जाएंगे। बैठने के बाद ये ज्ञान मुद्रा, इसको हम लोग इस तरह से लगाते हैं, इसको हम लोग ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार हम बैठ जाएंगे और सांस को अंदर लेते ओम का आवाज जो है कि हम लोग निकाल लेंगे। आँख को बंद कर लेंगे, मन मस्तिष्क को दोनों आँख के बीच में यहाँ पे केंद्रित करेंगे और ऐसा अनुभव करेंगे कि अच्छाई जो है कि हमारे अंदर जो है कि समाहित हो रहा है। हम लोग आँख बंद करके सांस को लेंगे और ओम का जो है कि आवाज जो है कि निकालेंगे। प्रारंभ करते हैं। प्राणायाम मानसिक शांति प्रदान करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक चंचलता को दूर करता है और आपके अंतरात्मा में स्वच्छ विचार संस्कार का उदय करता है। यह प्राणायाम इतना अच्छा है कि यदि कोई भी व्यक्ति इसको नियमित रूप से करें, विधि विधान के साथ करें, तो उनके पास वह भी ज्ञान आ सकता है जो ज्ञान उन्होंने कहीं से प्राप्त नहीं किया। वो अंदर से जो है कि ज्ञान का ये उत्सर्जन करते हैं, आपके उत्साह और पराक्रम को जो है कि बढ़ाता है, तुतलाहट, घबराहट ये सब जो है कि दूर होता है ये प्राणायाम से। यह प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। आप अपने घर पे इसे 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक अपने सुविधा अनुसार जो है कि कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।